नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट आजकल सबसे बड़ा डील का अड्डा बन गया है। मैं कोर्ट रूम और जज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो खबर दिखाने जा रहा हूं, कैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि अमेरिका द्वारा, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो भारत में अपना व्यापार करने के लिए अपना जब पैर पसार रही थी, और वो पैर पसार चुकी हैं, लेकिन लेकिन साहब, खेल तो तब शुरू होता है जब यहां पर आयुर्वेद अपना पूरा सनातन अपना पूरा पैर पसारने लगता है, तो इनको पूरा दर्द होता है, उसके बाद शुरू होता है बड़ा खेला। तो सुप्रीम कोर्ट को हथियार बनाकर पूरा का पूरा ये खेल खेला जाता है। हमने कानून को बिकते हुए देखा है यहाँ पर, जहां एक आम आदमी न्याय की आस में जीवन खपा देता है, वहीं कुछ खास लोग रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। इसे कहते हैं असली कानून का सच। पूरा वीडियो दिखाएंगे और आज सनातन की जय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बहुत पहले से रच रहे हैं, लेकिन अब जब सनातन एक रूप पकड़ रहा है, एक स्वरूप पर आ चुका है, और वो अब अन्य धर्म जो हैं, वो उनके सामने अब बौने साबित हो रहे हैं, क्योंकि सनातन अपना बृहद रूप ले चुका है, तो अब साम दाम दंड भेद सब अपना करके अब सनातन को खत्म करने की सुप्रीम साजिश रच रहे हैं। दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा वीडियो, और अमेरिका से कैसे पूरा खेल हुआ, आखिरकार ये पूरा का पूरा खेल आप सभी को इस वीडियो को मैं कहीं ना कहीं शेयर करने पर मजबूर कर देगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना हम आप सभी शेयर कर दीजिए। हमने एक लाइन बोली थी शुरुआत में, उस लाइन से शुरू करूंगा। हमने कानून को बिकते हुए देखा है, जहां एक आम आदमी न्याय की आस में जीवन खपा देता है, वहीं कुछ लोग, खास लोग, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव का कहानी आपने सुना होगा। अब आप कहेंगे शायद वही पुरानी न्यूज है, लेकिन साहब ये वही पुरानी न्यूज नहीं है, ये आपके पीठ पर पीछरा कहीं ना कहीं छुरा घोपा जा रहा है। हिंदुस्तान की फीट पर छुरा घोपा जा रहा है, जहां 300 लाख करोड़ के टर्नओवर वाला जो अमेरिका भारत में व्यापार करता है अंग्रेजी दवाओं का, जो हिंदुस्तान में जो पेटेंट कराई गई अमेरिका की चीजें हैं, वो अमेरिका उस पर पैसा कमाता है, चाइना पैसा कमाता है, विदेशी पैसा कमाते हैं, उन दवाओं पर 30% कमीशन चले जाते हैं। 10 रुपए की दवा हजारों में बिकती है, और पूरा खेल जो चल रहा था उस पर बाबा रामदेव के योग ने काम तमाम कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट को एक हथकंडा बनाया गया, और सुप्रीम कोर्ट से साहब ऐसी चीज ले ली गई जिसको सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट बेबी आदेश दे देगा कि आप खुले में हवा ले रहे हैं, इसका भी टैक्स आपको देना पड़ेगा, ऑक्सीजन टैक्स, और ये वही ऑक्सीजन टैक्स है। क्योंकि बाबा रामदेव तो लोगों को योग सिखाते हैं, लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, बिना किसी, जी हां, बिना किसी दवा के लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है वो अब उन पर टैक्स ठोक दिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट बफ बोर्ड पर, यही सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर, यही सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट पर अपना व्यू और राय और फैसला और सेल्फ संज्ञान नहीं दे पाता। कोर्ट ने सीमा शुल्क उत्पाद और शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क देने के लिए सर्विस टैक्स भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। अब सोचिए, पहले मैं आपको थोड़ा मामला समझाता हूं, मामला आखिर क्या था। दरअसल 2023 का मामला था। CESTAT ये इलाहाबाद की पीठ ने एक आदेश सुनाया, इसमें कहा गया कि योग पीठ जो है, ट्रस्ट जो है, उसकी ओर से जो योग शिविर आयोजन हो रहे हैं,
किसी भी व्यक्ति की भागीदारी का शुल्क लेता है, इसलिए ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आने चाहिए। और पीठ ने कहा कि ट्रस्ट के शिविरों में योग प्रशिक्षण के दान के रूप में राशि लेता, लेकिन असल में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रवेश शुल्क भी होता है, तो अब इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन बहुत सारे एनजीओ जो खोल करके केवल और केवल आप राजीव गांधी फाउंडेशन के देख लीजिए, केवल और केवल पैसे लिए जाते उस फंड फाउंडेशन के द्वारा, और वो क्या धर्मार्थ का काम करते हैं और फिर भी उन्हें टैक्स से छूट है। बब बोर्ड कौन से धर्मार्थ का काम कर दिया, कौन से राष्ट्र हित का काम कर दिया? ये योग राष्ट्र हित का काम है। हिंदुस्तान में योग से हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। और राष्ट्र हित के काम के लिए देखिए आपके पीठ पीछे कैसे छुरा गो पा जा रहा। आखिरकार जब हम एक व्यक्ति आता है योग करने और योग करता है तो उसे उन बीमारियों से छुटकारा मिलता है जिन बीमारियों के लिए जो ये मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं एक एक टेस्ट के लिए हजारों हजारों रुपए लेते हैं आम आदमी के लिए, लेकिन बिना टेस्ट के वो व्यक्ति योगा से ठीक हो जाता है और उसके बाद उन मेडिकल वालों को खुलने में धड़ल्ले में अपने मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, छोटे छोटे फार्मास्यूटिकल्स का किस तरह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरा मकर जाल है। यहाँ डॉक्टर दवाई लिखता है उसका कमीशन होता है मेडिकल स्टेरोइड के पास, ये कंफर्म होता है। अब तो डॉक्टरों ने नया धंधा खोला हुआ है कि जहां पर अपना मेडिकल सेंटर खोला हुआ है उसी के अंदर मेडिकल स्टोर खोला हुआ है और सारा दवाई वहीं पर मिलती है और आपको दवाई वहीं पर ही मिलेगी। ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर नजर नहीं आ रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जहां व्यक्ति जाता है और बिना दवाई के सही हो रहा है वहां पर अब टैक्स लिया जाएगा। आप सभी से चाहेंगे ऐसी वीडियोस को शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय जज महोदय, माननीय न्यायाधीश लोग जो होते हैं, इन लोगों के सामने सबूत हो जाते हैं, उन सबूतों के आधार पर वो फैसले। सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार यही होता कि वो न्यायाधीश इंतजार कर रहे होते हैं कि कब सबूत आए और कब हम उनको, क्योंकि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं कानून से। लेकिन कुछ लोग हैं इसी केस में, अमानुल्लाह जो इस केस को देख रहा था बाबा रामदेव के, वो न्यायाधीश है महोदय, देख रहा था, कहना किसी को गाली नहीं होता है, वो न्यायाधीश है, महामहिम है, लेकिन वो कहे, उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के जो सर्टिफिकेट जारी किया था जिस सरकारी गवर्नमेंट का उसने संस्था ने, उसको कहा उसकी बखेड़ियां उधेड़ नहीं। अब सोचिए इतना गुस्सा सनातन के प्रति, इतना गुस्सा। अब सोचिए मामला क्या था, वो थोड़ा सा आप बता देते, मामला शुरुआत क्या था, फिर आपको पता चल जाएगा कि फेयर लवली बचपन से आपको गोरा करते करते आप तक गोरा क्यों नहीं कर पाई। लेकिन कोई भी फेयर लवली के खिलाफ शायद उसका नाम चेंज करने के लिए गया, लेकिन बॉर्नविटा से लेकर जितनी भी कंपनियां हैं सब कहती है एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं है, लेकिन सब पर भी कोर्ट चुपचाप बैठा हुआ है। मामला इस तरह से बढ़ाया गया है क्योंकि दबाया जाना था योग को और मेडिकल अंग्रेजी दवाओं को बढ़ावा देना था और हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का इस सबसे बड़ा षड्यंत्र के रूप में हम देख रहे हैं। और ये सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है इस समय जो चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के वक्त मेरे ख्याल से कोई फैसला सरकार नहीं ले सकती है। विवाद क्या था वो समझिए। विवाद ये था कि भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव फंसे थे, बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापन मामले में फंसे हुए। इस मामले में कोर्ट ने कई बार माफी मांग चुके हैं, जिसे लेकर कोर्ट खारिज कर चुका, सार्वजनिक माफी मांगने के लिए आदेश दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने में जुड़ा था, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया था।
23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। एलोपैथिक के बयानों को लेकर भी रामदेव विवादों में यहाँ पर रहे, इस तरह को लेकर के बातें आई थी। अब आप समझ सकते हैं खेल पूरा किस तरह से और किस प्रकार से ये खेला गया है। जहां डेली आप सुबह शाम सुनते हैं कि बॉर्नविटा कंप्लेन बॉय, बॉर्नविटा क्या क्या ऐड आते हैं, और क्या वो आपके बच्चे को ग्रोथ देती हैं, जाकर के उनकी कंपनी के उनके डिटेल जाकर पढ़ लीजिएगा। अनुरोध करेंगे सनातन हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहे ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।